नमस्कार, जय हिंद साथियों। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र सिकंदरहू के गांव लालगढ़ी से है। सीआरपीएफ के जवान सिकंदरहू का जवान नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त हो गया है। आपको बता दें कि कल हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर नक्सली हमले में मां भारती के 3 लाल वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनमें से शामिल उत्तर प्रदेश का लाल भी शामिल था। माँ भारती के लाल को नमन करते हैं व उनके इस शहादत को आगे हम सलाम करते हैं। वहीं सीआरपीएफ की ओर से शहीद जवानों के पार्थिव पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनके पार्थिव को पैतृक गांव की ओर रवाना किया गया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कल नक्सली हमले में उत्तर प्रदेश का लाल भी वीरगति को प्राप्त हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि कल तक इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव लालगढ़ी लाया जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और शहीद परिजनों को तिरंगा भी सौंपा जाएगा। शहादत की सूचना के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। शहीद परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। वहीं शासन प्रशासन के लोगों ने शहीद को नमन किया है और उन्हें इस अदम्य साहस को सलाम किया है। उत्तर प्रदेश के सिकंदरहू विधानसभा क्षेत्र के गांव लालगढ़ी निवासी शिशुपाल सिंह यादव सीआरपीएफ में तैनात थे और वे भी नक्सली हमले का शिकार होने की वजह से वीरगति को प्राप्त हुए हैं। शहादत की सूचना के बाद शासन प्रशासन के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके इस अदम्य साहस को नमन किया है। मां भारती के लाल के श्री चरणों में अपर समाचार परिवार की ओर से सादर नमन व वंदन करते हैं और उन्हें झुक कर सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।